नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 12 जुलाई 2021 है। 12 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ती आबादी को लेकर कहा कि देश में बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कॉम स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया जाए। अगर देश में सबको रबड़ी का शिक्षा मिले तो देश से कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल गए 2 महीने हो चुके हैं। इसी क्रम में पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि 60 दिनों से कैद में हूँ, कसूर पता नहीं, अपने बिहार के लोगों के लिए हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। अब बिहार की अन्य खबरें। बिहार के पूर्णिया किशनगंज मुख्य मार्ग पर पूर्णिया जिले के बायसी थाना अंतर्गत चड़िया चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। चौक पर अवस्थित 5 दुकानें भी जलकर सुहा हो गई। हुआ यूं कि भीषण वर्षा के कारण दिघी पुल ध्वस्त हो गया है। इसी कारण टैंक लोड़ी चड़िया पुल के पास से ड्राइवर ने बैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच काफ़ी तेजी से पीछे से एक ट्रक आ रही थी, उसी ट्रक से टक्कर होने के बाद ट्रक और टैंक लोरी में आग लग गई। इस घटना में आग की ज्वाला काफ़ी धधक गई। ट्रक पर सवार तो जले ही, आसपास की 5 दुकानों में भी आग लग गई। बिहार के विभिन्न जिलों में मनमाना भाड़ा वसूलने को लेकर सरकार के स्तर से भाड़ा जांच अभियान चलाया गया। अभियान में नियम तोड़ने और मनमाना भाड़ा वसूली के आरोप में 10 बसों को सीज कर लिया गया है। विशेष जांच अभियान में 425 बसों की जांच की गई। कुल 74 बसों पर मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत के विरुद्ध सत्यापन कर अर्थदंड लगाया गया। किशनगंज के एक गांव में घर से एक कोबरा और उसके 42 बच्चे निकल गए। इस वाक्या ने इलाके में खलबली मचा दी। इसके बाद तो हर कोई अपने अपने घरों में बच्चों को लेकर चिंतित है। मामला विशनपुर गाँव से संबंधित है। वहाँ मुनव्वर परवेज इल्मी के घर मुर्गी के शेड में एक कोबरा मुर्गी के अंडे खा रहा था। इल्मी साहब की पत्नी मुर्गी को दाना देने गई तो वह हक्का बक्का रह गई। उसने कोबरा को देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग दौड़े तो कोबरा तन गया और फन काटने लगा। लोगों ने कोबरा को पकड़ने के लिए सपेरा को बुलाया। सपेरा आया तो वहाँ यानी इल्मी साहब के घर से सिर्फ एक कोबरा ही नहीं बल्कि उसके 42 बच्चे भी मिले। सांप के 42 बच्चों को देखते पूरा गांव उमर पड़ा। दृश्य देखकर हर शख्स दहशत महसूस करने लगा। पूरा गांव डरा हुआ है। अब लोग अपने अपने घरों में तेलहन की खल्ली का धूप जलाने लगे हैं। मोतिहारी के सिसवा पूर्वी बनकट्टा पुल में बाढ़ के पानी में स्नान करने गए 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। 4 बच्चों में से 3 का शव तो ग्रामीणों ने निकाल लिया था, मगर 1 बच्चा नहीं मिला। 4थे बच्चे का शव दूसरे दिन स्वतः पुल के नीचे उपलाते हुए मिला। डूबकर मरने वालों में गोखुला के अदालत महतो का पुत्र विक्की कुमार, मदन राय का पुत्र रुपेश कुमार, सोनेलाल का पुत्र अनीश कुमार समेत 4 बच्चे हैं। दुनिया में अब तक नवाब शाहजहां का बड़ा गिफ्ट बेगम मुमताज के लिए ताजमहल कहा जाता रहा है, जो सदियों से चर्चित है, था और रहेगा। शाहजहां ने बेगम के इंतकाल के बाद ताजमहल बनवाया। कहते हैं ताजमहल बेगम की याद में बनवाया गया। इसी तरह का कुछ बिहार की राजधानी पटना में एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी धर्म पत्नी के लिए अपने हाथों से कर दिखाया। मैकेनिकल इंजीनियर ने कोई ताजमहल तो नहीं बल्कि घर के अंदर ही एक ऐसा लिफ्ट बनाया कि अब उनकी पत्नी को चाय नाश्ता लेकर सीढ़ियों से उतरना चढ़ना नहीं पड़ता है, बल्कि लिफ्ट में चाय रख देती है तो वह पति अथवा गेस्ट के टेबल पर पहुँच जाता है। इस अजूबे गिफ्ट से इंजीनियर की पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं है। कहा जा रहा है कि सीढ़ियों से चढ़ते उतरते एक बार इंजीनियर की पत्नी को पैर में मोच आ गई थी। इसी से प्रेरित और प्रभावित होकर इंजीनियर ने लिफ्ट बनाकर पत्नी को बड़ा गिफ्ट दिया। यह गिफ्ट डिनर गिफ्ट के रूप में है। यह वाकया पटना में मेहदीगंज दीपनगर रोड की है। यह कहानी खबरों का पार्ट नहीं है, फिर भी हमने इसे फटाफट खबरों में लिया। खबरों में इसलिए लिया कि आज टूटते परिवार और छीजते रिश्तों को एक नया मोड़ दिखे, एक नया आयाम मिले। अररिया के महलगांव पुलिस ने मटियारी गांव से 36 लीटर शराब बरामद किया है। मौके से गृहस्वामी भागने में सफल रहे।
सासाराम में झारखंड से आ रही शराब की बड़ी खेप जब्त किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 11 को अरेस्ट किया है, जिसमें 8 तस्कर हैं और 3 लोग लाइनर बताए जा रहे हैं। बेतिया में लगातार हो रही वर्षा के कारण कोहरा नदी में उफान आ गया है। नदी के आसपास बसे लोग सकते में हैं। इधर दरभंगा मधुबनी में बूढ़ी गंडक का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने एहतियात बरतते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर 3 जोड़ी ट्रेन कैंसिल कर दी है। अब इन ट्रेनों का रूट बदलने का प्लान चल रहा है। बताया गया कि बाढ़ में पानी के मुक्तापुर ब्रिज तक आ जाने के कारण इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। गंडक की बाढ़ ने पूर्वी चंपारण स्थित राष्ट्रीय संरक्षित केसरिया का बौद्ध स्तूप बाढ़ के पानी से घिर गया है। नेपाल में हो रही वर्षा से उत्तरी बिहार की सभी नदियां उफना गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत नेपाल की ओर से आने वाले अधिकांश नदियों में उफान की स्थिति बनी हुई है। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। ट्रफ लाइन मध्य भारत होते हुए राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। माना जा रहा है कि अभी 1 सप्ताह तक मानसून रूठा रहेगा। मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कि धान रोपनी के समय ही वर्षा की कमी हो गई। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।